attention please. Train number 11100 Madgaon Lokmanya Tilak Terminus Express is delayed by 3 hours 35 minutes than its scheduled time. हेलो जी, एक और वीडियो में आप सबका स्वागत है। और आज का वीडियो है बहुत ही स्पेशल। हम कर रहे हैं रेलवे सफ़र फ्रॉम टेविन टू मुंबई। हमारा गोवा का सफ़र ख़त्म होता है, जिसके पूरी कहानी हमने इस चैनल पर डाल चुके हैं। और हमारी जो जर्नी है आज होगी फ्रॉम टेविन टू मुंबई, जिससे हम ट्रैवल कर रहे हैं वो है मडगांव एक्सप्रेस, जो कि बहुत ही फेमस है। उसके बारे में एक पूरी मूवी आ चुकी है, और अगर आपने वो मूवी नहीं देखी तो एक बार ज़रूर जाके देखें, बहुत ही मस्त है। बाकी अब बात करते हैं हमारे ट्रैवल के बारे में। तो आज जो हम ट्रैवल कर रहे हैं वो है फर्स्ट क्लास एसी से। जब भी हम सोलो ट्रैवल करते हैं, हमारा ट्रैवल मोस्ट ऑफ द टाइम थर्ड एसी ट्रैवल में होता है, बट फैमिली के साथ थोड़ा कंफर्ट जोन होना बहुत ज़रूरी है। बाकी अगर आप लोग गोवा आ रहे हो तो टेविन उतरोगे तो वहाँ से नॉर्थ गोवा काफ़ी नज़दीक है, और अगर आप मडगांव जाते हो तो मडगांव से साउथ गोवा नज़दीक है। और अगर आप लोगों को नाइट लाइफ इंजॉय करनी है गोवा की और नाइट में अपना को सेफ रखना है, तो नॉर्थ गोवा इज़ द बेस्ट प्लेस। टेविन उतरो, नॉर्थ में जाके अपना स्टे करो, बहुत सारी चीज़ें इंजॉय कर सकते हो। साउथ गोवा में क्रूज़ है, जो कि आप लोग क्रूज़ और कसिनो को इंजॉय करना है तो साउथ गोवा जा सकते हो, मडगांव एक्सप्रेस मडगांव स्टेशन के उतरो और वहाँ से आप अपना गोवा को इंजॉय कर सकते हो। अभी बज रहे हैं दोपहर की 1 और हमारी गाड़ी है 2 घंटा लेट, जो कि ऑलमोस्ट पता चल रहा है कि हर दिन लेट हो रही है। तो अगर आप लोग टेविन से अपना ट्रेन बोर्ड कर रहे हो या मडगांव से कर रहे हो, और अगर आप लोग की जो गाड़ी है वो मडगांव एक्सप्रेस है, तो ये चीज़ें ध्यान दीजिए कि ट्रेन लेट हो सकती है। बाकी हम अपने ट्रेन का वेट करते हैं और मडगांव एक्सप्रेस की जो कहानी है ना वो शुरू करते हैं, क्योंकि मडगांव एक्सप्रेस की कहानी बहुत खूबसूरत है, क्योंकि ये ट्रैवल करती है कोंकण रेलवे से, रत्नागिरी खेड़ होके पहुँचती है रात को 12 बजे के आसपास लोकमान्य तिलक टर्मिनस कुरला। हम उतरेंगे थाने, बाकी सारी डिटेल्स ट्रेन में। और लोग कोंकण एक्सप्रेस है ना, उसको कोंकण रेलवे लाइन से ना उसको एंजॉय करेंगे। धूप बहुत है और इस गोवा के पूरे सफ़र में मैं काला हो चुका हूँ, तो अब गोरा होने के लिए डिटेन करना पड़ेगा। बाकी ट्रेन आने के बाद सफ़र शुरू करते हैं। अभी बज रहे हैं शाम के 5:30 और अभी भी ट्रेन का कोई अता पता है नहीं। फर्स्ट टाइम इतना खतरनाक एक्सपीरियंस कर रहा हूँ मैं इंडियन रेलवे के साथ, वरना अब तक तो मेरी जर्नी काफ़ी स्मूथ थी। मैंने फर्स्ट एसी का टिकट बुक कराया था ताकि फैमिली कंफर्टेबल ट्रैवल कर पाए, बट करंटली ऐसा लग नहीं रहा है कि कंफर्टेबल जोन पे है। बट स्टेशन पे यहाँ एग्जीक्यूटिव क्लास का स्टे है, जहाँ पे आप लोग रुक सकते हो, वेट कर सकते हो, तो वहाँ पे फैमिली वेट कर रही है ट्रेन का। बाकी देखो, कोंकण रेलवे से हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं कोंकण रेलवे लाइन से, और मेरी इच्छा थी कि इस ट्रैवल जर्नी में मैं आपको बाहर की खूबसूरती बताऊं, बट अभी ट्रेन अराइवल का टाइम दिखाया गया है कि 6:30 को ट्रेन पहुंचेगी टेविन, मतलब बाहर के नज़ारे बहुत ही कम देखने मिलेंगे या ना के बराबर ही देखने मिलेंगे, क्योंकि अंधेरा हो जाएगा और अंधेरे के बाद बाहर कुछ दिखाने लायक होगा नहीं। सो आई गेस सारी चीज़ें फ्लॉप वे पे जा रही है, ट्रैवल कैसा होगा वो तो हम आपको आगे बताएंगे। 6:30 का वेट करते हैं। ऐसा कुछ होता है एसी फर्स्ट कंपार्टमेंट, और ये पूरा का पूरा कंपार्टमेंट आपको दिया जाता है, एलोकेटेड हो जाता है। दिस इज HA1 का कंपार्टमेंट है, और जो बोगी कंपार्टमेंट से डिवाइड होती है सेकंड क्लास और फर्स्ट क्लास को, उसे बोलते हैं HA1। और द बेस्ट पार्ट ऑफ बुकिंग फर्स्ट एसी क्लास, और वो है पूरा का पूरा कंपार्टमेंट आपका होता है, मतलब यहाँ पे आपको डोर्स मिल जाते हैं, आप डोर्स को लॉक कर सकते हो, यहाँ पे आपका प्राइवेसी, अगर आप फैमिली हो तो आप 4 जन का बुकिंग कर सकते हो, बहुत ही मज़ेदार है। अगर आप अपनी कंफर्ट जर्नी की बात करो तो ऐसा कुछ कंफर्ट जर्नी आप अपनी फर्स्ट एसी कार क्लास में कर सकते हो। ये तो मैंने आपको HA1 की बात बताई, अगर नॉर्मल एसी क्लासेस भी होगी वो भी कुछ ऐसे ही आपको डिजाइनेबल दिखेगी,
बहुत ही मज़ेदार है। तो आप यहाँ पे देखोगे पूरा का पूरा कंफर्ट जोन है, यहाँ पे आपको मिरर मिल जाता है, काफ़ी कंफर्ट जोन है यहाँ पे। और बाहर की बात करूँ तो बाहर का जो एरिया है ना वो बहुत ही मज़ेदार है फर्स्ट एसी का, जो मैं आपको बता। तो ऐसा कुछ आपको बाहर का एरिया मिल जाएगा फर्स्ट क्लास में। तो अगर आपको बहुत ही कम्फर्ट जोन में अपनी जर्नी स्पेंड करनी है तो फर्स्ट क्लास को बुक करना। सेकेंड क्लास थोड़ी अच्छे से जर्नी हो सकती है, थोड़ा रीजनेबल रेट है, बट फर्स्ट क्लास का जो प्राइस है थोड़ा हाई हो जाता है सेकंड क्लास का, थोड़ा लो। थर्ड एसी का थोड़ा लो, और स्लीपर क्लास में तो मैं कभी किसी को रिकमेंड नहीं करूँगा कि मत ही करना, क्योंकि अभी वो जर्नल डब्बा बन चुका है। तो इन्जॉय करते हैं जर्नी को और हम इस जर्नी को और गर्मा गर्म वड़ा पाव ले लिया हमने रत्नागिरी पहुंचते ही। और रत्नागिरी तो रत्नागिरी फेमस है हापुस आम के लिए, और समर सीजन्स में रत्नागिरी और हापुस आम का अलग ही लव स्टोरी चलता है। बाकी मडगांव एक्सप्रेस की बात करूँ तो ये चलती है फ्रॉम मडगांव आफ्टरनून में 12 o'clock को एंड पहुंचती है कुर्ला टर्मिनस इन द नाइट 11:30। बट आज ये ट्रेन डिले है फ्रॉम 6 hours, इसका मतलब अब ये पहुंचेगी सुबह को 4 बजे, मतलब ऑलमोस्ट 8 hours का डिले है। तो अगर आप लोग को कहीं पे जल्दी पहुंचना है, टाइम पे पहुंचना है, तो मडगांव एक्सप्रेस को अपने रिकमेंडेशन पे मत ही डालना। और ऐसे सुनने में आया है कि ये ट्रेन मोस्ट ऑफ द टाइम डिले ही रहती है। चाय आपको स्टेशन पे मिल जाएगा, वड़ा पाव आपको मडगांव स्टेशन से ही मिल जाएगा, आप वड़ा पाव की लुत्फ हर स्टेशन पे उठा सकते हो। बाकी हम मिलते हैं आपको थाने में, जो कि ये सुबह पहुंचेगी 3 बजे, हमें पहुंचना था रात को 10 बजे। बाकी मडगांव एक्सप्रेस बुक करने से पहले कुछ चीज़ें ध्यान दे देना। और हाँ, टिकट प्राइस की बात करूँ तो मैंने बुक किया था सेकेंड एसी क्लास, जो कि 1500 rupees में पड़ गया था पर पर्सन। और अगर आप फर्स्ट एसी बुक करते हो तो वो है 2500 का टिकट, और इसकी स्लीपर कोचेस के जो प्राइसेस है वो अराउंड 600-700 की पड़ जाएगी। स्लीपर क्लासेस आजकल जनरल कोचेस में ही डिवाइडेड हो चुके हैं, तो आप लोग को मैं रिकमेंड करूंगा कि थर्ड एसी को ही बुक करना, जर्नी कंफर्टेबल हो जाएगी, एसी के थ्रू आप बुक करोगे और आवन जावन एकदम अच्छा हो जाएगा। हम लेते हैं थाने में, कर लेते हैं पेट पूजा, और नाइट जर्नी में कुछ ज्यादा दिखाने होगा नहीं, तो मिलते हैं थाने स्टेशन जहाँ पे हमारा आज जो जर्नी है वो खत्म होगी।